तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 कह रहा है, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे और ए काम आरंभ करता है, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? यानी क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, ए कितने दिन करता है? 12। ए 10 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है? तो बी 15 दिन में करता है। ठीक है, अब दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा? 30। ए की क्षमता कितना निकलेगा? तो ए की क्षमता निकलेगा 3 और बी की क्षमता निकलेगा 2। ठीक है, जरा सा इस क्वेश्चन को समझिएगा। बारी बारी क्वेश्चन कह रहा है, बारी बारी का। तो पहले यहाँ ए दे दीजिए, चूंकि पहले काम ए आरंभ करता है। यहाँ बी दे दीजिए और यहाँ काम लिख लीजिए, यहाँ समय लिख लीजिए। ठीक है, अब ये जो ए का ए बराबर 3 है, यानी ए की ये क्षमता है, यानी एक दिन का काम है, यानी एक दिन का काम ही क्या कहलाता है? क्षमता कहलाता है। एक दिन का काम ही इफिशियंसी कहलाता है। तो एक दिन का काम ही क्षमता कहलाता है। तो ए ने एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। फिर ए काम कर लिया एक दिन में 3, उसके बाद बी काम करता है, फिर एक दिन में बी कितना काम करता है? 2 काम करता है। यहीं पे क्या करेंगे हम? टोटल काम जोड़ेंगे। टोटल काम हो गया 5 और टोटल समय हो गया 2 दिन। यानी 2 दिन में ये कितना काम करता है? 5 काम करता है। हमको टोटल काम कितना करवाना है? 30 काम करवाना है। तो कितना समय लगेगा? तो इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 30 काम को करने में कितना समय लगेगा? तो 12 दिन लगेगा। यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। एक अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, ए अकेला एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला उसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, 12 दिन में समाप्त कर सकता है, 12 दिन में समाप्त कर सकता है। एक काम आरंभ करता है, वे एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे, तो सारा काम कितने दिन में समाप्त कर सकता है? ठीक है, तो ये दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 48। यानी एलसीएम ही टोटल वर्क होता है, यानी कुल काम होता है। ए की क्षमता निकलेगा 48/16 यानी 3, बी की क्षमता निकलेगा 48/12 यानी 4। ठीक है, अब काम ए प्रारंभ करता है, तो हम बताए थे यहाँ काम लिखेंगे और यहाँ समय लिखेंगे। यानी एक दिन का काम ए का कितना है? 3 है। बी का एक दिन का काम कितना है? 4 है। यानी 2 दिन में कितना काम करेगा? तो 7 काम करेगा। यानी 2 दिन में कितना काम करेगा? तो 2 दिन में 7 काम करेगा। हमको टोटल काम करवाना है 48। यानी 7 के मल्टीपल में 48 नहीं है, तो नियरेस्ट हम लेंगे, यानी कितना हो गया? 6। यानी 42 काम को करने में, 42 काम को करने में कितना दिन लगेगा? 12 दिन लगेगा। ठीक है, अब चूंकि काम करवाना है 48, तो ए किया, बी किया, उसके बाद कौन करेगा? फिर ए करेगा। तो ये एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा, यानी काम हो गया 45। तो समय कितना हो गया? 13 दिन। अब फिर कौन करेगा? बी करेगा। चूंकि बी को कितना काम करना है? 3 काम। यहाँ पर बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम। यानी 4 काम को 1 दिन करने करता है, तो 1 काम को करने में कितना दिन लगेगा? 1/4 दिन लगेगा। चूंकि बी से हमको काम करवाना कितना है? 3, इसलिए 3 काम करने में कितना समय लगेगा? 3/4 दिन लगेगा। यानी 3 काम करवाने में, बी से 3 काम करवाने में 3/4 समय लगेगा। तो टोटल काम हो जाएगा 48। ठीक है, और समय कितना हो जाएगा? 13 पूर्णांक 3/4 दिन। यही हो गया।
आपका आंसर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 कहता है ए बी सी एक कार्य को 11, 20 और 55 दिन में करता है। यानी क्वेश्चन नंबर 23 ए किसी काम को 11 दिन में, बी जो है इसे 20 दिन में और सी इसे 55 दिन में करता है। ठीक है, तो इसका जब एलसीएम लेंगे 11, 20, 55 का, तो एलसीएम आ जाएगा 220। यानी यही आपका टोटल वर्क होता है। जो आप एलसीएम लेते हैं वही आपका क्या होता है, टोटल वर्क होता है। अब हम निकालेंगे ए की क्षमता। तो ए की क्षमता कितना हो जाएगा, 11 दुना 22 यानी 20, और इसका क्षमता हो जाएगा यानी 11। ठीक है, और इसका क्षमता हो जाएगा यानी कितना, 4। तो ए की क्षमता 20, बी की क्षमता 11 और सी की क्षमता 4 निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है क्या, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, और काम आरंभ कौन करता है, तो काम आरंभ करता है ए, और ए आरंभ भी करता है। उसके बाद कहता है क्या कि ए जो है ए के साथ एक दिन बाद बी और अगले दिन सी बारी बारी से काम करता है। तो ए के एक दिन बी और ए के साथ एक दिन सी काम करता है। यानी ए के साथ एक दिन बी करता है और ए के साथ एक दिन सी करता है। ठीक है, बारी बारी से ऐसा ही चलते रहता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, अब ए प्लस बी यानी दोनों मिलाकर एक दिन का काम कितना होगा, ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन का काम है 20 और 11 यानी टोटल 31 काम करेगा एक दिन में, और एक और सी एक दिन में कितना काम करेगा यानी 24 काम करेगा। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा दो दिन का, तो दो दिन का टोटल काम हो जाएगा आपका 55। चूंकि दो दिन का टोटल काम हो जाएगा 55, आपको काम कितना करवाना है, तो हमको काम करवाना है 220। तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 4। तो कितना हो जाएगा 220, काम तो 220 हो गया, 4 इसमें मल्टीप्लाई किए तो 4 इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 220 काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो 8 दिन पूरा लगेगा। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 कहता है कि 24 क्या कह रहा है, ए बी सी किसी कार्य को 20, 30 और 60 दिन में पूरा करता है। ए कितना दिन में करता है, 20 दिन में। बी कितने दिन में पूरा करता है, 30 दिन में। सी कितने दिन में पूरा करता है, 60 दिन में। ठीक है, और कहता है ए लगातार काम करे और हर तीसरे दिन बी और सी भी मिलकर ए के साथ काम करे, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो हम देखते हैं कि इसका एलसीएम कितना आएगा, 60। ए की क्षमता कितना आएगा, 60/20 यानी 3। बी की क्षमता कितना आएगा, 60/30 यानी 2। और सी की क्षमता कितना आएगा, 60/60 यानी 1। अब कहता है कि ए लगातार काम करे और हर तीसरे दिन बी और सी ए को साथ दे। तो हम बताए थे कि यहाँ काम लिखेंगे और यहाँ पे समय लिखेंगे, यहाँ पे काम लिखेंगे और यहाँ पे समय लिखेंगे। तो एक दिन में ए कितना काम करता है, 3 दिन काम करता है, लेकिन हर तीसरे दिन बी और सी ए को सहायता करता है। हर तीसरे दिन यानी ये तो अकेला दो दिन तक काम करेगा, ए अकेला दो दिन का काम कितना हो जाएगा, ए अकेला दो दिन का काम हो जाएगा 6 दो दिन का काम। अब ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर हर तीसरे दिन, तो दो दिन तो काम कर लिया, दो दिन में 6 काम कर लेगा। अब हर तीसरे दिन तो दो दिन ए करेगा, फिर तीसरे दिन यानी दो के बाद 3, तीसरे दिन एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितना काम करेगा, तो 6 काम करेगा।
तो टोटल काम कितना हो जाएगा 12, और टोटल दिन कितना हो जाएगा 3, यानी 3 दिन में 12 काम करेगा। ठीक है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 पुर जाएगा, चूंकि 60 काम ही करवाना था, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितना दिन में पूरा करेगा, तो काम 15 दिन में समाप्त करेगा। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।